बसपा विधायक राजू पाल की हत्या कर 18 साल से पुलिस और सीबीआई को चकमा देकर फरार चल रहे माफिया अतीक के शूटर अब्दुल कवि ने बुधवार को लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रयागराज में उमेश पाल व उनके दो सरकारी गनर की हत्या के बाद पुलिस ने शूटर, उसके परिजनों और मददगारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। पुलिस की इस कार्रवाई से 18 साल से फरार चल रहे माफिया अब्दुल कवि के करोड़ों के आर्थिक साम्राज्य को चोट पहुंची और इसके साथ ही उसे पुलिस एनकाउंटर का डर सताने लगा। माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों से कवि ने पुलिस को चकमा देकर राजधानी की सीबीआई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने सराय अकील के बखंदा निवासी माफिया अतीक के शूटर अब्दुल कवि का नाम उजागर किया था। पुलिस व सीबीआई ने 18 वर्ष से फरार अब्दुल कवि के घर 14 फरवरी को कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। इस बीच 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या हो गई। पुलिस के मुताबिक उमेश की हत्या अतीक व बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ की साजिश का परिणाम है, जो साबरमती और बरेली जेल में रची गई। वारदात के मुताबिक पुलिस को घटना में शामिल शूटरों के अब्दुल कवि के घर में शरण लेने की खबर मिली। इस पर पुलिस ने 3 मार्च को अब्दुल कवि के घर पर सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान अब्दुल कवि अन्य कोई शूटर तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन दीवारों में छिपाकर रखे गए 5 नाजायज असले, देसी बम, चापड़ व चाकू बरामद किए गए थे, जिसके बाद बुधवार को अपने एनकाउंटर के डर से अब्दुल कवि ने खुद को सरेंडर कर दिया।